मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में प्रशासन की जमीन कब्जाने वाली नाकाम कोशिश के बाद किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां किसानों ने धरना की शुरुआत करते हुए आंदोलन भी शुरू कर दिया। इस आंदोलन को गति देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका और ये जो अधिकारी आए थे, किस मामले क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। आश्वासन तो इन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। ये तो यहाँ पे गोपला जैनपुर की जो जमीन का मामला इनका चला हुआ है, 5 साल से यहाँ आंदोलन भी चल रहा है, उसमें अधिकारी आए थे और ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है और कुछ जो यहाँ पे जिन्होंने अपने मकान के लिए जमीन ली है उनको देना है, लेकिन अभी किसानों का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों से कोई बातचीत नहीं हो रही, तो कल इस संबंध में किसानों की और प्रशासन की और एमडीए की बातचीत होगी, तो जो भी हल निकला उसके बाद ही इसका कोई हल निकला। क्या नाम है आपको? ये जो धरना धरा हुआ था, क्या मामले को लेकर धरा हुआ था और कौन कौन लोग अधिकारी आए यहाँ पर? ये जो जमीन अधिग्रहण उसे लेकर धरना धरा हुआ है। कानूनन हमें नई नीति का पैसा मिलना चाहिए, ये नई नीति का दे नहीं रहे। हर बार वार्ता करके चले जा, प्रशासन का एडीएम थे, सिटी मजिस्ट्रेट है और एक एसपी सिटी थे, सीओ साहब है और जो तहसील के अधिकारी वे भी थे, कुछ अधिकारी को हम जानते नहीं थे। हमारे चौधरी साहब आए हुए थे टिकैत जी, उनके सामने बात हुई है, हमें जो मीटिंगों से तंग आ लिए, अब ये अपनी मीटिंग करके हमें ये बता दे, नई नीति का देंगे, जमीन वापिस करेंगे। हमारा ये कहना, ये कल बुला रहे हैं, हमारे आदमी वहां जाओगे, पर ये यहाँ कह दिया और वो भी वहां कहेंगे, जब तक नई नीति का नहीं मिलेगा हमारे बीच कोई समझौते की और जगह बच नहीं। शाजापुर जिले में मुख्यालय से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम रिछोदर में एडवांस एकेडमी नामक दड़बे नुमा प्राथमिक स्कूल की घटना ने हर किसी को दहला दिया है। दोपहर 12 बजे स्कूल की छुट्टी होते प्राथमिक शाला के बच्चों को अपने घर जाने की खुशी होती है, वही खुशी मातम में बदल गई। निजी उपयोग के लिए इंदौर आरटीआई में राम प्रसाद धानुक नाम पर पंजीकृत वाहन मारुति वैन के संचालक कमल सिंह 21 बच्चों को भरकर ले जाने को तैयार था, तभी वैन को रिवर्स लेने में संतुलन खो बैठा और स्कूल में मौजूद 35 फीट गहरे बरसाती पानी से भरा हुआ एक तालाब में वैन जा गिरी। इस लापरवाही से भारी दुर्घटना के बाद स्कूल के आंगन में मौत के कुएं में घुटकर 3 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि 18 बच्चों को ग्रामीणों ने अपनी जान दांव पर लगाकर बचा लिया। नेहरू ग्राउंड तुमसर में मुख्यमंत्री ने सभा के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ये किसान और मजदूर के लिए इससे भी अच्छा विकास करेंगे। भाजपा गरीब और किसानों की सरकार है, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि भाजपा को ही वोट दें और भारी मतों से प्रत्याशी प्रदीप पडोल को ही जिताए। ड्रिप च अनुदान दिला, ट्रैक्टर च अनुदान दिला, विजेच अनुदान दिला, थानाला बोनस दिला, जे जे या ठिकाणी शेतकऱ्याकरता करता येईल ते सगळं आपण या ठिकाणी केलं। बंधू भगिनींनो, आज आपण बघा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या 15 वर्षांमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले पैसे 20,000 कोटी 15 वर्षांमध्ये आणि 5 वर्षांमध्ये आपल्या सरकारने शेतकऱ्याला दिलेले पैसे 50,000 कोटी, म्हणजे ते वर्षाला 1,200 कोटी द्यायचे, आम्ही वर्षाला 10,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी दिले, त्या शेतकऱ्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला। तुम्ही आठवा, काँग्रेसचं सरकार होतं, 5 वर्षांमध्ये एकदा बोनस दिला, 50 रुपयाचा बोनस दानाला दिला होता। आपल्या सरकारने दरवर्षी बोनस दिला 100 रुपये 200 रुपये आणि मग 500 रुपयाचा बोनस, आणि याही वर्षी आपण मागेच जाहीर केलं 500 रुपयाचा बोनस आपण धानाला देणार आहोत। धानाला बोनस देणारं सरकार जर कुठलं असेल तर ते आपलं सरकार या ठिकाणी आहे। शेतकऱ्याच्या पाठीशी सातत्याने आपण उभे राहिलो। आठवा, किती वर्ष आपल्या जमिनी वर्ग 2 होत्या, किती वर्ष आपण मागण्या करत होतो, वर्ग 2 जमीन म्हणजे सरकारी जमिनीसारखी अवस्था होती। आमच्या बापाच्या मालकीची जमीन आम्हाला मिळाली, पण शिक्का सरकारचा वर्ग 2 टाकलं होतं। आम्ही भूमिस्वामी नव्हतो, आम्ही भूमिधारी होतो। अनेक वर्ष संघर्ष झाला, आपलं सरकार आलं, फटक्या सरशी कायदा केला, सगळ्यांना भूमिदारीवरनं भूमिस्वामी केलं, वर्ग 2 जमीन वर्ग 1 केली आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या घरी त्याचा 7-12 पोचवण्याचं काम आपण केलं। हे आपलं सरकार आहे जे सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे।
आज आपण बघा बावनथडी असो गोसी खुर्द असो याची काम आपण वेगाने केली इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी निधी दिला उर्वरित काम पूर्ण करण्याचं काम केलं जी गाव सुटली होती ती गाव त्याच्यामध्ये घेतली ही सिंचनाची व्यवस्था या ठिकाणी झाल्यानंतर आमचा शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल याकरता कोट्यवधी रुपये आपण या ठिकाणी दिले तुमच्या आशीर्वादानं माझ्यासारखा या विदर्भाचा सुपुत्र महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला गडकरी साहेबांसारखा विदर्भाचा सुपुत्र देशामध्ये मोठे मंत्री झाले या ठिकाणी आम्ही दोघांनी मिळून मोठ्या प्रमाणात या विदर्भात निधी आणला या विदर्भामध्ये जेवढा पैसा कधी आला नव्हता तो पैसा आपण त्या ठिकाणी आणला आज तुम्ही आठवा 2009 साली ज्यांनी विजेचं कनेक्शन मागितलं 2014 सालापर्यंत कनेक्शन नव्हतं आमच्या बावनकुळेंनी एका वर्षामध्ये 5 वर्षाचा बॅकलॉग संपवला आणि जो मागेल त्याला कनेक्शन या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये विदर्भामध्ये सुरू केलं या विदर्भाला रस्त्यांकरता पिण्याच्या पाण्याच्या करता धरणांकरता इलेक्ट्रिसिटी करता इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा निधी या ठिकाणी प्राप्त झाला 30,000 किलोमीटरचे मुख्यमंत्री ग्राम सडकचे रस्ते आपण तयार केले 20,000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून तयार केले आज तुम्ही बघा सिमेंट कॉन्क्रीटचे महामार्ग तयार होत आहेत 50 वर्ष याच्यावर खड्डा पडणार नाही नंतर मागच्या काळामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये पुढे पाठ तर मागे सपाट अशा प्रकारचे रस्ते व्हायचे इकडे रस्ते व्हायचे तिकडे गड्डे पडायचे पण आता गड्डे पडणार नाही कारण सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते गडकरी साहेबांनी या ठिकाणी तयार केले आहेत 18,000 गावांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची योजना या ठिकाणी आपण नेली आज आपण बघा आपलं तुमसर सारखं शहर असेल या शहरामध्ये समाजभवन बोरवेल जलवाहिनी या ठिकाणी अनेक कामं आपण केली 150 कोटी रुपये आपण या शहराच्या विकासाकरता या ठिकाणी दिले बंधू भगिनींनो माझा दावा आहे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दहताल मोती झील के दोनों किनारों पर बसे दर्जनों गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया प्रदर्शन के उपरांत ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा इसमें वन विभाग द्वारा दहताल में पर्यटन केंद्र बनाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की गई जी मेरा नाम केतकी सिंह है मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और इस समय हम सभी लोग यहाँ पर मछुआरा समाज की तरफ से निषाद समाज की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं जी मैम किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठी हैं और क्या मांगे हैं दरअसल ऐसी सूचना प्राप्त हुई हम सभी लोगों को विशेषकर जो हमारे निषाद समाज है उन लोगों को मिली कि जो मुड़ियारी दहताल है उसको शायद सुंदरीकरण के लिए उसको प्रस्तावित किया गया है और सुंदरीकरण के बाद ऐसा होता है कि वहाँ पे मछुआरा समाज नहीं जा सकता मछली नहीं मार सकता या जिस तरह की वो खेती करते हैं कमलगट्टों पे अपना जीवन जीते हैं वो सारी चीज़ों पे रोक लग जाएगी उसी के विरोध में हम सभी यहाँ पर आए हैं कि इस तरह ना हो और वह दहताल सुंदरीकरण में ना जिस दल से आप बिलोंग करते हैं जिस दल से आप नेतृत्व करती हैं विधानसभा भी लड़ी उस दल का सबसे बड़ा अहम उद्देश्य यह था सबका साथ सबका विकास तो क्या इस पैटर्न पर योगी सरकार नाकाम है देखिए ऐसा नहीं है जब हम लोग को सूचना मिली इस विषय पे कि ऐसा हो रहा है इस तरह की बात चल रही है तो हमारे माननीय सांसद सलीमपुर लोकसभा के श्री रविंद्र कुशवाहा जी के को हम लोगों ने सूचित किया एक ज्ञापन दिया और श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी ने उस समय DFO से भी बात की और ऊपर भी उन्होंने एक लेटर लिखा DFO से बात करके उन्होंने ये कहा कि प्रस्ताव वापस लिया जाए तुरंत के तुरंत ताकि निषाद समाज को किसी तरह का कोई समस्या ना हो और उन्हीं के आदेश पे सरकार के आदेश पे मैं इन समस्त साथियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ खड़ी है आपके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा इस वजह से ही मैं यहाँ बैठी हूँ मैं भी सरकार की अंग हूँ पार्टी की अंग हूँ मैं यहाँ बैठी हूँ दो तरह की बातें सामने आ रही हैं एक तरफ आप धरने पर बैठी हैं और दूसरी तरफ सरकार क्या आप संदेश देना चाहती हैं जनता को मैं ये देना चाहती हूँ सरकार आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा यह विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ यह निर्णय किसका है अब यह निर्णय तो मुझे पता चला कि DFO ये वन विभाग द्वारा गया ज्ञापन आदेश गया है। तो सरकार के ही होंगे नहीं अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय आया नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो माननीय रविंद्र कुशवाहा जी को बताया गया होता सांसद जी को बताया गया होता पर ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं मतलब कि स्थानीय कर्मचारी अधिकारियों की अपनी इच्छा है ऐसी कि हम क्योंकि एक कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे जब मुड़ियारी दहताल पे मैं भी उस कार्यक्रम में विशिष्ट करती थी
बनकर गई थी मुख्य अतिथि और डीएफओ भी यहाँ की गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ताल है, इसको हम लोग को सुंदरीकरण करना चाहिए, चाहे ऐसा उनका प्रस्ताव उसी समय था। तो हमारी बात उतनी हो नहीं पाई, फिर अचानक एक दिन अखबार में इस तरह की सूचना मिली जिसका हम सब ने विरोध किया, और सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं है कि यह ताल से छीना जाएगा या निषाद समाज से। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आपका निर्णय क्या होगा? मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ, उसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। अंत तक लड़ाई होगी। कोई मसला बैठगी एक मिनट, आपने पर्ची बताइएगा। दौ तल के किनारे करीब 10 का निषाद बिंद परिवार का सदियों पुराना है, आज़ादी के पहले से, और एकमात्र 8 गांव के बिना बिंद और मलाह लोगों का उसमें मछली मार करके, फ्री मछली मार करके, और खेती का भी बहुत ज़्यादा सारा अंश है उस पर खेती करके। इस समाज में शिक्षा भी कम है, नौकरी भी कम है, एक तरीका से पूरा जीवन निषाद समाज का उस पर आश्रित है, और अभी तक आज़ादी के बाद से स्वतंत्र रूप से समाज के लोग खेती भी करते हैं, मछली भी मारते हैं। आज जब इनके कान में, नज़रों के सामने अखबार के समाचार से मिला कि हमारे 10 ताल पर वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई किया जा रहा है, और सरकार का जो सारा नियम है, जो गाइडलाइन है वन विभाग का, वो लागू होने के बाद हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। जब ये लोग सुने तो हमारी माँ बहने हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको चलने का भी साहस नहीं है, वो सारे लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं लोकतांत्रिक तरीक़ा से अपनी बात कहने के लिए कि अगर हमारी बात आज के धरना प्रदर्शन से नहीं मानी गई तो इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो जिलाधिकारी महोदय और डीएफओ बलिया, आप लोग समझ लीजिए कि न तो आप लोग काम कर पाएंगे, न तो हम लोग जी पाएंगे, और जीने मरने के लिए हम लोग अगली बार जो आएंगे यहाँ पर वो जीने मरने के लिए आएंगे। हमारी बात या तो प्रस्ताव विभाग वापस ले और हमको लिखित रूप से सूचना दे कि आपके 10 ताल पर कोई आँच आने वाला नहीं है, नहीं तो ये समाज कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद भी बाढ़ हुए कटान पीड़ित को मुआवजा न मिलने से नाराज लोगों ने इंटक के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह की मौजूदगी में तहसील में मौजूद सैकड़ों पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा है कि सीएम की घोषणा का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित हो, इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दीजिए जी, मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के यूनियन इंटक का जिला अध्यक्ष जी। क्या मामला था, अब बेरा तहसील आप लोग घिरे थे जी? हमारे यहाँ 16 सितंबर को दुर्गा छपरा रिंग बांध टूटा था और गोपालपुर ग्राम सभा के उदय छपरा गोपालपुर और दुर्गा छपरा गांव में लगभग 6000 आबादी प्रभावित हुई थी, सारे मकान झोपड़ी सब ध्वस्त हो गए थे। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री जी दुर्गा छपरा आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि सारे लोगों को, जितने लोगों के मकान और झोपड़ी ध्वस्त हुए हैं सबको हम 12 घंटे में मुआवजा देंगे, लेकिन आज एक महीना हो गया 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, आज तक किसी को एक रुपया मुआवजा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई भी असर बैरिया तहसील प्रशासन पर नहीं जी। तो आप जिम्मेदार किसको मानते हैं जी इसके लिए? तो जिम्मेवार बैरिया के SDM और तहसीलदार, जिले के अधिकारियों ने आदेश किया था, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ करके घोषणा किया, लेकिन बैरिया के उप जिला अधिकारी और तहसीलदार की लापरवाही और हिला हवाली जन विरोधी नीतियों के कारण ये आज तक मुआवजा नहीं मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश। आपके इस कार्यक्रम में कितने लोग मौजूद थे? हमारे कार्यक्रम में लगभग 800 परिवार हैं, 800 जो पीड़ित परिवार जो गरीब भूमिहीन थे जो सड़क पर हैं वो 800 परिवार से एक एक लोग आए थे, लगभग 800 लोग मौजूद थे जी। क्या आपकी मांगें पूरी हुई अभी? कल SDM बैरिया अभी कल ज्वाइन किए हैं, नवागत SDM अशोक कुमार चौधरी, पुराने वाले का ट्रांसफ़र हो गया है, उन्होंने कहा कि अभी हमको एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं आज अभी ज्वाइन किया हूँ, नया हूँ, एक सप्ताह में मैं कार्रवाई करके और मुआवजा मैं दिलवा दूँगा, मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करवा दूँगा। अगर एक हफ्ता समय के बावजूद भी आपका ये नहीं मांगे पूरी हुई तो आगे क्या करेंगे? हमने वहाँ लिखित रूप से दे दिया है, अगर एक सप्ताह के अंदर मुआवजा नहीं मिलता है तो हम अगली रणनीति के तहत दुबे छपरा ढाले पर पूरे ग्राम सभा गोपालपुर के 5000 जनता के साथ NH-31 को जाम करेंगे।